हेलो एंड वेलकम टू होप तशांत आई होप आर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट दीज आर फाइव मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम स्पेस टेक्नोलॉजी अ पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी से पांच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे सिलेक्ट किए बेस्ड ऑन थ्री थिंग्स एग्जामिनर कहाँ पर फोकस करता है दैट इज कॉल्ड थीम्स एग्जामिनर ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से इतने पूछ रखे और किस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो टाइप क्या है कितनी डेप्थ में क्या चीजें पूछेगा मल्टी लेयर अप्रोच ऑफ यूपीएससी सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर करंट अफेयर ये बताता है कि किसी चीज के पूछे जाने की है, किसी भी टॉपिक के पूछे जाने की प्रोबिलिटी कितनी है तो अगर वो टॉपिक करंट अफेयर में है दैट मीन प्रोबिलिटी ज्यादा है तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए एग्जामिनर के माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए थीम्स को ध्यान में रखते हुए और करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पांच इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट किए हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से जो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं तो ये टॉपिक देखिएगा अगर सीरियस स्टूडेंट है अंत तक वीडियो देखिएगा जो चीजें बता, बता रहा हूं उनको नोट डाउन भी करते चलेगा ये एग्जामिनेशन में आपको बहुत मदद करेंगे पिछली बार सीरीज से मोर देन फोर्टीन प्लस क्वेश्चन आए थे जाकर आप चेक भी कर सकते हैं दैट मीनस मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ क्लेम नहीं बस ये बोलना चाहता हूं कि ये सीरीज इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स बेस्ड ऑन रैशनलिटी है मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा देखो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तो कुछ भी छुपाया नहीं है सामने जो है वो बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जामिनर यहां से सवाल बना सकता है चलिए पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है चंद्रयान थ्री वाई चंद्रयान थ्री इज इंपॉर्टेंट यूपीएससी किन मिशन पर फोकस करता है यूपीएससी uh, ने क्या पहले सवाल पूछ रखा है एस्ट्रोसैट के ऊपर सवाल पूछ रखा है विद रेफरेंस टू एस्टोसेट द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च बाई इंडिया लॉन्च बाई इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अर देन यूएसए रशिया इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव लॉन्चर ऑब्जर्वेट्री इन टू द स्पेस एंड एय एस्ट्रोसैट इज अ टू थाउजेंड के जी सैटेइट प्लेस इनबिट ऑफ सिक्स किलोमीटर इस तरह का सवाल पूछा यूपीएससी ने 2016 में में इसका आंसर क्या है एक बार कमेंट बॉक्स बता दो आई होप प्रीवियस हजार करा और इसका आंसर आपको आता है के बारे पूछा जब मंगलयान हमने भेजा तो क्या यूपीएससी ने मंगलयान के ऊपर सवाल पूछा बिल्कुल जी हाँ दी मंगल बाई मार्स ऑर्बिटर मिशन मेड इंडिया टू तो हैव अ स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट इनटू द आफ्टर यूएसए करता क्या ने कुछ, ने कुछ अच्छा किया है क्या बिल्कुल तो चंद्रयान थ्री के बारे में पढ़िया कहां पर हमने कौन से पोल पर लैंडिंग किया है सॉफ्ट लैंडिंग कैसे करते हैं क्या यूज किया है किस तरह से पूरा यू you नो know, हुआ है क्या, लैंडर uh, क्या है ये सब चीज़ें होती क्या है कॉम्पोनेट्स क्या क्या है कौन कौन से पेलोड्स हैं लैंडर के ऊपर कौन से पेलोड्स थे रोवर के ऊपर कौन से पेलोड्स थे इनका नाम क्या था कौन सा प्रोपल्जन सिस्टम था किस रॉकेट से भेजे गए हैं ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं ज़रूर पढ़िएगा किस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग की और क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया की ग्लोबल कॉन्टेक्स में स्पेस टेक्नोलॉजी में उस इंपॉर्टेंस को उस रुतबे को जा, जारी रखते हुए यूपीएससी का यहां से सवाल पूछ सकता है बिल्कुल चंद्रयान थ्री विल बी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्री ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एग्जामिनेशन चंद्रयान थ्री से पढ़िएगा अब चंद्रयान थ्री इंपॉर्टेंट है तो मतलब मून भी इंपॉर्टेंट है अगर मून इंपॉर्टेंट है तो क्या इंपॉर्टेंट है क्या टाइडल लॉक इंपॉर्टेंट हो सकता है बिल्कुल टाइडल लॉक हो सकता है देखिए करंट अफेयर का हमने बालक खाल निकाल विच मीन बैकवर्ड लिंकिस निकाल रहे बैकवर्ड मतलब है कि से क्या पूछ सकता है क्या वो गैलेक्टिक टाइट्स के ऊपर सवाल पूछ सकता है Bilkul Jiha Galactic Tides is a tidal force experienced by the object uh, subject to the gravitational field of the galaxy, such as the Milky Way. And these are caused by the gravitational forces within a galaxy arising in the interactions between the celestial objects like stars and the gas clouds. And these tidal forces influence the various aspects of the galaxy evolution and they can reshape a galaxy structure by creating a tidal tails and bridges, promoting star formation and disrupting the smaller star system. So you बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि गैलेक्टिक गैलेक्टिक्स क्या होते हैं टाइट्स क्या होते हैं टाइट्स में कैसा फोर्स लगता है यूपीएससी के सीडीएस में भी सवाल पूछे सीएपीएफ में भी सवाल पूछे हैं। तो वो सवाल में यहां लगा कर नहीं लाता पर माइंड सेट बिल प्रोग्राम में मैंने सीडीएस सीएपीएफ यूपीएससी के सभी सवाल प्रीवियस और क्वेश्चन करवाए हैं सही ढंग से अनालिस करवाया है। अगर माइंड सेट बिल प्रोग्राम सही माइंड बिल्ड करना है इन जस्ट थर्टी लेक्चर्स लिंक में डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर ज्वाइन कर सकते हैं आई होप यू अंडरस्टूड चंद्रयान थ्री एंड गैलेक्टिक टाइट इंपॉर्टेंट है तो क्या चंद्रयान इंपॉर्टेंट हो सकता है तो क्या कि कुछ इंसानों को भी हम स्पेस ले जा रहे हैं तो क्या गगनयान

कौन सा यूज करेंगे क्रू मॉड्यूल विच इज स्पेस क्राफ्ट कैरिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड द सर्विस मॉड्यूल बाय बाई टू लिक्विड प्रोपलेंट इन इंजन यहां पर वॉय मित्र भी इंपॉर्टेंट है वॉय मित्र क्या है फीमेल लुकिंग स्पेस फेरिंग ह्यूमनॉइड रोबोट है बीइंग डेवलप बाई द इसरोन बोर्ड द गगन आई होप यू अंडर वो मित्र के बारे में और गगन मिशन के बारे में जरूर याद रखियेगा देखिए यूपीसी कई तरह के सवाल पूछता है टलाइट नेविगेशन सिस्टम से सवाल पूछा था यूपीएससी प्री दो हजार तेईस में थोड़ा कैसे करते हैं थोड़ा लिंक सीख लो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इज ओन नेविगेशन सिस्टम क्या से सवाल पूछा इसका आंसर बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में कि दो हजार तेईस काी दो हजार तेईस क्या है क्या यूपीएससी नेविगेशन से पहले भी सवाल पूछ हैं 2018 में इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम आई आर एन एस एस के बारे में सवाल पूछ रखा है ये पूरा सवाल है पढ़ भी सकते हैं डेटा भी दिया है आप समझ सकते हैं कि इन चीजों को आप एलिमिनेट कर सकते हैं और यहां पर 2015 में भी इंडियन इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट यूज यहां पर सेटेलाइट से सवाल पूछता है नेविगेशन सेटेलाइट हो या कम्युनिकेशन सेटेलाइट हो इन सवाल या अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट हो यहां से यूपीएससी सवाल हमेशा फ्रेम करता है तो अगर ये तीनों सवाल कंबाइन करोगे तो आपको समझ आना चाहिए सैटेलाइट नेविगेशन

गैलेक्टिक टाइड ऑन एंड गगनयान ये एक ही कंबाइंड एक टॉपिक मानिए इसको ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं जूस मिशन

जूस फॉर जुपिटर याद रखनी थोड़ी चीजें ताकि अगर जूस को यू नो मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ गया तो आप मैच कर सकते हैं बहुत जरूरी है कि यूपीसी के नेचर समझे प्रीवियस क्वेश्चन और उस, उसके हिसाब से काम करें मिशन टू एक्सप्लोर द जुपिटर एंड इट्स आईसी मोन्स नेमली गैनीमेड कैलिस्टो एंड यूरोपा मैं कुछ चीजें आपके लिए कर लाता हूँ ये लिखा करिए आप भी मेरे साथ ये नोट्स तैयार कर लीजिए आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी और ये सिर्फ टू टू फाइव परसेंट है माइंड सेट बिल्डअप प्रोग्राम का जहाँ पर मैं सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ पूरा कॉम्प्रेहेंसिवली बताता हूँ दो तीन सालों के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे बताता हूँ और कुछ आपको यूट्यूब पर भी बताता हूँ ताकि जो मुझे लगता है कि यहाँ पर बताने चाहिए बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आपको यहाँ पर भी बताता हूँ ताकि आप भी जो फ्री में मुझे देख रहे हैं आप भी थोड़ा सा नो अपने पढ़ाई में मैं आपकी नो जर्नी में थोड़ा सा रोल प्ले कर सकूं उस आ, मकसद से उस मोटिव से मैं आपको ये चीजें पढ़ाता हूं सेकंड लॉन्च बाय द फ्रेंच गिनिया ऑन एन एरियाने फाइव लॉन्चर तो किससे लॉन्च किया गया था एंड द मिशन इज सेट टू रीच जुपिटर बाय 2031 तो ये जूस मिशन इंपॉर्टेंट है एंड द द वाज कंस्ट्रक्टेड बाय एयरबस डिफेंस एंड एंड स्पेस अ डिवीजन ऑफ द एयरबस ग्रुप दिस फोकस विल बी ऑन द गैनीमेड द लार्जेस्ट मून ऑफ द इन द सोलर सिस्टम व्हिच इज इजरेट जुपिटर्स मैग्नेटिक फील्ड तो इसके बारे में जरूर पढ़िएगा गैनीमेड के बारे में ये इंपॉर्टेंट है लार्जेस्ट मून है हमारे सोलर सिस्टम का सो दीस आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जूस मिशन से जूस मिशन की इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से वो मैंने आपको पर्सपेक्टिव भी क्लियर कर दिया next important uh, topic is third important topic is poem so a poem but a important a part of pslv c55 and telos 2 the spent the spe

को भी यूज कर रहे हैं ताकि उससे भी कुछ हम आ, टेक्निकल चीजें कुछ एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट कर सकें ये पूरा का पूरा ऐसे लिखकर आया था आ, ये मैंने आपके लिए न्यूज पेपर से इंपॉर्टेंट है चाहे तो आप पॉज करके इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं कि पोयम पोयम क्या है इज अ प्लेटफॉर्म दैट विल हेल्प परफॉर्म इन ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग द फाइनल एंड द अदरवाइज दाइज देखो लिखा अदरवाइज डिस्कार्डेड स्टेज ऑफ इसरोज वर्क हाउर्स रॉकेट दैट इज पीएसएलवी पीएसएलवी इज अ फोर स्टेज रॉकेट पूरा लिखा है पीएसएलवी क्या है फिर उसके बाद पी के बारे में भी लिखा है और यहां पर पर पूरा पूरा ऐसे के ये 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 आर्टिकल आर्टिकल है आर्टिकल मैं टेलीग्राम चैनल भी पोस्ट कर चाहे तो प्रीवियस so, से भी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल मॉडल और इमिक वेक्स डैगर मॉडल आपसे पूछा जा सकता है कि डैगर मॉडल न्यूज वर्ड uh, तो किसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं क्यों पूछेगा डायगर मॉडल के बारे में विशाल उपेंद्रन यूज ए आई टू एनालाइज दी एंड एग्जामिन द डेटा फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट हम एआई को यूज कर रहे हैंजेंस को और मैंने जैसा बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंपॉर्टेंट है भी की पूरी वीडियो देखेगा बहुत मजा आएगा आपको और बहुत आपको नॉलेज गेन होगी साथ में आप बहुत चीजें समझ पाएंगे कि एग्जामिनर कैसे सोचता है और कैसे टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अलग करता है मैं वही प्रोसेस आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं स्पेस क्राफ्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ दोलर क्या है ए

हम सोलर विंड जो आती हैं जो हमें इम्पैक्ट करती हैं उसके लिए ए जो होगा हम ए का यूज़ करेंगे इस मॉडल से ए के मॉडल को यूज़ करके हम एनालाइज़ करेंगे और एग्जामिन करेंगे डेटा अपने स्पेसक्राफ्ट से सोलर विंडस के बारे में ताकि हमें इनफ टाइम मिल जाए ताकि हम अपने क्रिटिकल सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर सकें तो डैगर मॉडल किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ अगर ऐसा सवाल बने चार ऑप्शन आए तो याद रखिएगा किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है ये ये ए को यूज़ करके सोलर विंड की स्टडी करता है और एम्पल टाइम प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने क्रिटिकल सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर सकें या शटडाउन कर सकें और इमिक वेव्स दीस आर द डिस्क्रीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन ऑब्जर्व इन द अर्थ्स मैग्नेटोस्फेयर दीस वेव्स आर जनरेटेड इन द इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स एंड प्रोपगेट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू द टू डियर फुटप्रिंट इन द हाई लैटिट्यूड आयनोस्फीयर एंड देयर सिग्नेचर कैन बी रिकॉर्डेड इन बोथ स्पेसिस एज वेल एस द ग्राउंड मिमिक वेव्स के बारे में पढ़ लीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट है डायगर मॉडल इसके बारे में जरूर पढ़िएगा दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बताया एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एक्सपोस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडिया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सबसे इंपॉर्टेंट चीज फर्स्ट फर्स्ट प्लानोमीट्री

पार्कर सोलर मिशन इंपॉर्टेंट है सोलर मिशन सन इंपॉर्टेंट है सोलर विंड्स इंपॉर्टेंट है उसके कॉन्टेक्स में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड यहाँ पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंपॉर्टेंट है एल टू ऑर्बिट पर रखेंगे नासा प्लस एरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द कैनेडियन स्पेस एजेंसी मिलकर कर रहे हैं आइडिया ऑफ द अर्ली यूनिवर्स को पता करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को यूज़ कर रहे हैं हबल स्कोप टेलीस्केप टेलीस्कोप सुना है क्या इंफ्रानेट का यूज़ करेगा इंफ्रानेट को यूज़ करके हम यूनिवर्स uh, के बारे में समझें और साथ में आदित्य L1 जो कि L1 लैंग्राज पॉइंट वन पर रखा जाएगा ये आदित्य L1 भी सन के लिए है इसरो हैज अकम्प्लीश द लॉन्च ऑफ द आदित्य L1 इट्स इनोग्रल सोलर मिशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आदित्य L1 इज द फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडियन सोलर मिशन टू स्टडी द सन फ्रॉम द सब्सटेंशियल डिस्टेंस ऑफ 1.5 मिलियन किलोमीटर ओनली एंड इट इज टेक इट विल टेक एप्रोक्सीमेटली 125 डेज टू रीच द L1 And L1 is ISRO's class after so, kya उपर, ने सवाल बनाया दो हजार सोलह में आंसर इज यस तो मैंने आपको हमेशा बोला जो बताऊंगा सब रैशनल से बताऊंगा प्रीवियस करंट अफेयर का एलेवन इज इंपोर्टेंट तो आदित्य एलेवन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एंड पार्क सोलर मिशन दीज आर द बोनस टॉपिक्स द टाइप टोल्ड यू दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव आई होप यू अंडरस्टूड किस तरह से थीम्स को प्रीवियसर क्वेश्चन को करेंट अफेयर को मिक्स करके मैं आपके लिए इंपॉर्टें टॉपिक्स तैयार कर रहा हूँ अगर आपको कॉम्प्रहेंसिविवि सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स चाहिए प्रीवियसर क्वेश्चन का अनालिसिस चाहिए सी डी एस ई पी एफ के भी क्वेश्चन का अनालिसिस चाहिए तो आप माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है यहाँ तक आए हैं अच्छा लगा वीडियो समझ में आई लाइक करते जाइए अगर अच्छी लगी तो शेयर करना मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा थैंक यू नमस्ते जय हिंद